अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉप 30 एमसीक्यूज यहां पे लाए हैं। तो कुछ एमसीक्यूज हमने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं और मैंने कुछ एमसीक्यूज डिलिबरेटली वो छोड़े हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपको पता चलेगा नहीं और भी करंट अफेयर्स है हमें जो इम्पोर्टेंट पढ़नी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो 30 एमसीक्यूज है, आप मेरे साथ जुड़े रहे तो हम वन बाय वन इनको सॉल्व करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, जो हमारा पहला क्वेश्चन यहां पे है, दैट इज विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट इन 2024। किस कंट्री ने इस साल होस्ट की है G20 समिट 2024। ये क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ा लिया है, तो जिन बच्चों ने पढ़ लिया है तो वो बच्चे क्विक आंसर यहां पे कर लेंगे। तो पहला आंसर क्या है, इंडिया। दूसरा आंसर क्या है, ब्राजील। तीसरा आंसर क्या है, इंडोनेशिया। और चौथा आंसर क्या है, सऊदी अरबिया। तो मुझे राइट आंसर बताइए, विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट इन 2024 की, ना 2023 की, क्योंकि मुझे पता है मैंने आपको उस टाइम बोला 2023 की भी, और 2025 में होने वाली है, और 2024 में कहां हो जाएंगी। तो G20 समिट कहां पे हेल्ड हो गई इस साल की, तो वो हो गई, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी, दैट इज ब्राजील। क्या है, That is Brazil. Which country hosted the G20 summit in 2024? लेकिन यहां पे मुझे ब्राजील पे एक पॉइंट याद आ गया, जो इस साल की ब्रिक्स समिट थी वो ब्राजील में होने वाली है, लेकिन वो ब्राजील में इस साल नहीं हुई, वो कहां पे हो गया, वो रशिया में हो गई, दैट इज ब्रिक्स। लेकिन ये क्या है, ये है माय डियर स्टूडेंट G20 summit। तो माय डियर स्टूडेंट, मुझे G20 summit जो है इसको हम क्या कहते हैं, G20, बिकॉज इसमें ग्रेट 20 कंट्रीज है, लेकिन अब ये G21 है, अब क्या है, G21 है, आप G20 नहीं रहा। तो ये और एक कंट्री जो ऐड हो गई, ये क्या है, कौन ऐड हो गई, क्योंकि ये भी करंट बनता है। तो डियर्स, वो ऐड हो गई अफ्रीकन यूनियन। क्या, अफ्रीकन यूनियन उसका नाम है। तो 20 वाला कौन था, यूरोपियन यूनियन। अब 21वा कौन है, अफ्रीकन यूनियन। तो आज हम कहते हैं G20। तो असल में हम पहले, इसका टाइटल क्या है, G20 समिट 2024 की समिट कहां पे, ब्राजील में। ओके चलते हम अगले क्वेश्चन पे। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट G6 सैटेलाइट इन 2024। विच कंट्री लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट G6G सैटेलाइट इन 2024। कंफ्यूज मत हो जाना, मैं यहां पे 6G सैटेलाइट की बात करूंगा, ना कि 6G डिवाइस की बात करूंगा। उसका आंसर भी यहां पर है जो आपके दिमाग में घूम रहा है, माय डियर स्टूडेंट, वो है 6G डिवाइस, मगर ये है 6G सैटेलाइट। मैंने पहले ही बोला, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करोगे सर आपने गलत आंसर बोला, लेकिन मुझे मालूम है वहां पर लिखा है 6G डिवाइस हमने पढ़ा है, लेकिन यह है 6G सैटेलाइट। तो विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट G6 सैटेलाइट इन 2024। तो किस कंट्री ने लॉन्च किया है, तो ये कंट्री किसने लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज चाइना। ऑप्शन सी, दैट इज चाइना ने 6G सैटेलाइट 2024 में लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, तो यहां पे मैं वो भी करूंगा, 6G डिवाइस किसने, ओ माय डियर, 6G डिवाइस किसने, वो जापान ने किया है। अगर डिवाइस आएगा तो जापान, अगर सैटेलाइट आया तो चाइना, ठीक है, 2024 में जो लॉन्च हो गया। अब यहां पे अगला क्वेश्चन हमारा, हु वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन 2024। न्यू से ये ऑलरेडी था और रिएलेक्ट हो गया। हु वॉज अपॉइंटेड, किसको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल of the United Nations in 2024। किसको, ये आपको आंसर मालूम है, हर किसी बच्चे को मालूम है, क्योंकि रिसेंटली मैंने एक लेक्चर में पढ़ा है, दैट इज एंटोनी गटरस। क्या, एंटोनी गटरस, एंटोनी गटरस, जिसको हम एंटोनी गटरस भी कुछ कहते हैं, लेकिन एंटोनी गटरस इसका असल नाम है। एक्चुअली इसी को अपॉइंट किया गया एज ए न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस 2024। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, यूनाइटेड नेशंस का ये जो सेक्रेटरी जनरल है, फर्स्ट कौन था, फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट कौन था, मुझे कमेंट सेक्शन में वो मेंशन करना। ओके हमारा अगला क्वेश्चन जो है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ
rate projected for 2024. Which country has the highest GDP? Oh, my dear students, कितने important questions हैं. सारा current affair है. सारा करंट अफेयर, वो सारा कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए. कल आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए, फॉर एग्जांपल, विच कंट्री हैज हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड फॉर 2024, किस कंट्री को मिल गया? इंडिया, चाइना, अमेरिका और इंडोनेशिया. इस साल का 2024 का, 2000 ये नहीं आपने कहीं कभी सुना है इसका जीडीपी ज्यादा है, लेकिन इस साल 2024 में आपको मालूम है इनके दरमियान काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन चल रहा है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपको याद रखना है जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड फॉर 2024 किसको मिल गया है? मिला है अमेरिका, दैट इज यूएसए. तो यूएसए, सी पा ऑप्शन सी आंसर, अमेरिका इज द राइट आंसर. इसी को जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड फॉर 2024 हाईएस्ट है. ठीक है, ओके. हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हु इनॉग्रेटेड क्या पर्वत चैनल फर्स्ट सैनिक स्कूल इन गोरखपुर? किसने इनॉग्रेट किया है पूर्व चैनल फर्स्ट सैनिक स्कूल इन गोरखपुर? किसने स्टार्ट किया? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू जी, जगदीप धनखड़? नन ऑफ दीज. किसने किया? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि आपने ये नहीं पढ़ा है. तो आज याद रहे, जगदीप धनखड़, इसी ने इनॉग्रेट किया है पूर्वांचल फर्स्ट सैनिक स्कूल इन कहां पे? गोरखपुर में. कहां पे? गोरखपुर में. ठीक है, फर्स्ट सैनिक स्कूल. क्या? फर्स्ट सैनिक स्कूल इसी ने इनॉग्रेट किया. किसने? जगदीप धनखड़ ने. जगदीप धनखड़ ने. नाम दो तीन बार पढ़ ले रहा, अच्छे से याद आएगा तो वहां पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2024? फीफा, फीफा आपको मालूम है किसमें खेला जाता है. विच कंट्री वन, किस कंट्री ने जीता है द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप? द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024. द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024. विच कंट्री वन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2024? किसने जीता इस साल का? यूएस, स्पेन, ब्राजील, जर्मनी. तो राइट आंसर मुझे बोले, राइट आंसर इसका ऑप्शन बी जाएगा, स्पेन. याद रखना इसका राइट आंसर क्या है? स्पेन. विच कंट्री वन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2024? दैट इज स्पेन. ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच इंटरनेशनल ट्रीटी रिलेट टू क्लाइमेट? कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटी रिलेट है टू क्लाइमेट? किसके लिए? क्लाइमेट चेंज वॉज रिवाइज्ड इन 2024. Which international treaty related to climate change was revised in 2024? Paris Agreement, Kyoto Protocol, Montreal Protocol, Doha Amendment. तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, दैट इज Paris Agreement. यहां पे क्या लिखा है? Which international treaty? My dear student, treaty means also agreement. Treaty कहो या agreement कहो, कोई मसला नहीं, कंफ्यूज नहीं है. Treaty or agreement, no issue. Both are same. तो इसको हम कहते हैं, इसीलिए विच इंटरनेशनल ट्रीटी रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज वाज रिवाइज्ड इन 2024? तो किसने? पेरिस एग्रीमेंट में ये एग्रीमेंट हो गया रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, इसी में रिवाइज हो गया. अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन यहां पे है, विच नेशन इज करंटली चेयरिंग द आसियन इन 2024? कल हमने इस टॉपिक को पढ़ लिया है. Which nation is currently chairing? Which nation is currently chairing the ASEAN in 2024? मतलब ASEAN की summit 2024 की, ASEAN की summit कहां पे हो गई? तो dear students, ये हमने already पढ़ लिया है, लेकिन मुझे आंसर बता देना यहां पे. लॉस, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया. डियर स्टूडेंट, यहां पे जो वियतनाम लिखा है ना, वियतनाम, वियतनाम इसका आंसर नहीं है. बेसिकली एग्जामिनर ने वियतनाम क्यों लिखा? क्योंकि एक्चुअली लॉस की जो कैपिटल है वो है वेंतयान. वेंतयान और वियतनाम हमें सेम दिखता है, इसीलिए अगर कभी एक बार यहां पे लॉस लिखा है, लॉस इज राइट आंसर. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. वियतनाम राइट आंसर नहीं है, वियतनाम राइट आंसर नहीं है, क्योंकि लॉस की जो कैपिटल है वो है वेंतयान. क्या है? वेंतयान. वेंतयान जब हम लिखते हैं, सेम लिखते हैं किसके साथ? वियतनाम जैसा. तो इसीलिए आपको लॉस याद रखना है. तो लॉस में 2024 की आसियन,
बहुत सारे सुमित हो रहे हैं, लेकिन आसियन आपको याद रहे कहां पे, लॉस में हुई। लॉस की कैटेगरी क्या बनता है? ओके, वियतनाम अलग देश है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हु वॉज इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके इन 2024? हु वॉज इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके इन 2024? किसको इलेक्ट किया गया है नया प्राइम मिनिस्टर यूके का, किसका, यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम का 2024 में? आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, खेर स्टॉर्मर। खेर स्टॉर्मर, क्या, खेर स्टॉर्मर। स्टॉर्मर आपको याद रखना है, स्टॉर्मर बन गया नया प्राइम मिनिस्टर किसका, यूके का, ब्रिटेन का, इंग्लैंड का, जो कहो। तो हु वाज इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इन 2024, वो कौन है, खेर स्टॉर्मर। स्टॉर्मर बन गया नया प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन का। काफी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, यहां से चांस है क्वेश्चन आने की। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री इज होस्टिंग द 2024 विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स? विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स, ओ ओलंपिक गेम्स आपने बहुत सुनी है, पेरिस, पेरा, पेरिस ओलंपिक गेम्स, समर ओलंपिक गेम्स, विंटर ओलंपिक, बहुत सारे याद, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना डियर स्टूडेंट। विच कंट्री इज होस्टिंग द 2024 विंटर, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे क्या है, विंटर, क्या है, विंटर, नॉट समर। ये मैंने आपको उस लेक्चर में बोला है, उस टाइम समर कुछ अलग होती है, विंटर कुछ अलग होती है, यहां पे क्या है, विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स कहां पे, विच कंट्री इज होस्टिंग, कौन सी कंट्री होस्ट करेंगी 2024 की जो विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स है, कौन सी कंट्री, दैट इज राइट आंसर, क्या है इसका, राइट आंसर है साउथ कोरिया। राइट आंसर क्या है, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। विच कंट्री इज होस्टिंग द 2024 विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स, वो है साउथ कोरिया। पेरिस ओलंपिक कहां पे होगी, वो होगी पेरिस में, फ्रांस में। तो ये है विंटर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारा अगला क्वेश्चन यहां पे है, हु वाज रिसेंटली रीइलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की इन 2024? चलो रिसेंटली रीइलेक्ट हो गया, इसका मतलब आपके लिए आसान है, ऑलरेडी था फिर से इलेक्ट हो गया, तो रीइलेक्टेड, अगर आपको पुराना भी याद है तो इजी हो गया, रीइलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट किस कंट्री का, टर्की का, कब, 2024 में। ये है तैयब अर्दोगान की जो पिक्चर है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, तैयब अर्दोगान जो है ये टर्की का प्रेसिडेंट दोबारा से इलेक्ट हो गया, दैट इज व्हाई यहां पे लिखा है रीइलेक्टेड, दोबारा इलेक्ट हो गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ टर्की इन 2024। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, ओके, विच कंट्री होस्टेड द 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? पढ़ लिया है हमने, आंसर बोलो, विच कंट्री होस्टेड, किस कंट्री ने क्या होस्ट किया, किस कंट्री ने होस्ट किया 2024 की क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उस टाइम भी मैंने इसकी एब्रिविएशन ऐसे ही लिखी यहां पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विच कंट्री होस्टेड द 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, किस कंट्री ने होस्ट किया है, यूएई, अमेरिका, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, किसने? तो राइट आंसर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर भी वही है और वही होस्ट की गई है, दैट इज स्विट्जरलैंड। कौन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2024 की जो समिट है वो वही होस्ट हो गई, कहां पे, स्विट्जरलैंड। डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन चांसेस है, व्हाट इज द न्यू इंटरेस्ट रेट अनाउंस्ड बाय आरबीआई इन 2024? क्या न्यू इंटरेस्ट रेट है, न्यू इंटरेस्ट रेट अनाउंस्ड बाय आरबीआई इन 2024? 5.5%, 6.0%, 6.2% और 6.5%। राइट आंसर, अगर किसी को मालूम है तो राइट आंसर कीजिए, तब तक अपनी जगह देख लीजिए, मुझे मालूम है नहीं मालूम है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन, ऑप्शन डी 6.5%। क्या 6.5% इसका राइट आंसर है। तो राइट आंसर मीन्स यहां पे व्हाट इज अ न्यू इंटरेस्ट, ये नया इंटरेस्ट रेट है जो अनाउंस ने की, किसने, आरबीआई ने, कब, 2024 में, और फाइनेंशियल ईयर रहता है एंडिंग मार्च तक, मार्च तक आपके लिए ये क्वेश्चन कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, ओके। नाउ नाउ हमारा अगला क्वेश्चन क्या है यहां पे, विच स्टेट टॉपर्ड, विच स्टेट टॉपर्ड नीति आयोग
इनोवेशन इंडेक्स फॉर 2024। शाबाश। विच स्टेट टॉपर, किस स्टेट ने टॉप किया है? इंडिया के 28 स्टेट्स है, आउट ऑफ देम किसने टॉप किया है, किसमें? द नीति आयोग इनोवेशन, नीति आयोग क्या, इनोवेशन इंडेक्स फॉर 2024। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। शाबाश। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कर्नाटका। क्या है इसका राइट आंसर? क्या है? कर्नाटका, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2024। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2024। ये अभी न्यूज में चल रहा था, जिसने कल परसों ये न्यूज आ गई, 10 नवंबर तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बोला स्टेटहुड रेस्टोर हो सकता है। तो आपको ये मालूम है, तो न्यूज में चला है, तो अगर किसी को पता नहीं तो मैं यहां पे बता दूंगा इसका राइट आंसर क्या है। हु इज द करंट चीफ जस्ट, करंट चीफ जस्ट ऑफ इंडिया 2024, कौन है इनमें? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डीवी चंद्रचूड़। डीवी चंद्रचूड़ प्रेजेंटली क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन? डीवी चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है प्रेजेंटली। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2024। पिक्चर यहां पे लगी है, नाम अगर मालूम है तो बता सकते हो, नहीं है तो मैं बता दूंगा। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2024, लेकिन इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो यहां पे क्वेश्चन एमसीक्यू का है, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी हमने बोला रिजर्व बैंक ने 2024 की इंटरेस्ट रेट क्या बोली, अब यहां पे गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक का? कौन है? ये सारे गवर्नर्स रहे, लेकिन इस साल का कौन है 2024 का? शक्तिकांत दास। ये है आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास। ये है शक्तिकांत दास की जो इमेज है, ये है शक्तिकांत दास की इमेज है। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2024 की, ठीक है, यह है गवर्नर। देखो अगला क्वेश्चन है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो इन 2024। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जो हम पढ़ते हैं ना, एक पेज पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन निकलता है, तो इसलिए इन एमसीक्यूज को इजी मत लो। तो जो भी आईएएस के लिए, केएस के लिए, जो प्रीलिम्स के लिए जब प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको यही सजेशन मिलती है, लास्ट ईयर पेपर्स और क्वेश्चन आंसर कीजिए, क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस सेशन, नीट के लिए। आप देखो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आज हर कोई सजेस्ट करता है क्या, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, लास्ट ईयर क्वेश्चंस, या कोई भी एमसीक्यूज उस टॉपिक के रिलेटेड उसको करो, क्योंकि वहां से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प हो जाता है। इसीलिए ये जो ऑब्जेक्टिव है इनको इजी मत समझो। फॉर यहां पे क्वेश्चन, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो, अभी पता चलेगा। तो एक टॉपिक, एक पैरा पढ़ने के बाद जो आपको मिलेगा, तो एक मिनट में आपको मिल गया, इसीलिए मैं इन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करता हूं। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो इन 2024। बोलिए जो करंट चेयरमैन है किसका? इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। कौन है वो? है राइट आंसर, बहुत सारे बच्चों को मालूम भी है, लेकिन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एस सोमनाथ। कौन? एस सोमनाथ है चेयरमैन ऑफ इसरो इन 2024। 25 में और कोई भी हो सकता है, यही भी हो सकता है, लेकिन 2024 में फिलहाल कौन है? एस सोमनाथ। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। विच इंडियन सिटी वॉज रैंकड द क्लीनेस्ट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2024। किस इंडियन सिटी को यह रैंक मिल गई है क्लीनेस्ट सर्वेक्षण 2024? तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपको यह पढ़ाया मैंने, किस सिटी को मिल गया, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इंदौर। तो इंदौर को यह मिल गया है यह रैंक, पहली रैंक स्मार्ट सिटी में, किसको पहली रैंक मिल गई? इंदौर को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेट इंप्लीमेंटेड द राइट टू हेल्थ एक्ट इन 2024? विच स्टेट इंप्लीमेंटेड
which state implemented, किस स्टेट ने इंप्लीमेंट किया है क्या the Right to Health Act in 2024, Right to Health Act, क्या Right to Health Act in 2024, किस स्टेट ने इंप्लीमेंट किया है, तो राइट आंसर केरला, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, कौन सा राइट आंसर है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज राजस्थान, दैट इज राजस्थान ने इस साल इंप्लीमेंट किया, राजस्थान की स्टेट ने राइट टू हेल्थ एक्ट इन 2024, राइट टू हेल्थ एक्ट, राइट टू हेल्थ एक्ट इन 2024। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, विच कंट्री विल होस्ट द थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, किस कंट्री ने होस्ट किया है, किस कंट्री ने होस्ट किया, क्या थर्ड वॉइस, माय डियर स्टूडेंट, थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ग्लोबल साउथ, ग्लोबल समिट नहीं, ग्लोबल साउथ समिट, ग्लोबल साउथ समिट, विच कंट्री विल होस्ट द थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, किस कंट्री ने होस्ट किया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया, तो इसी इंडिया ने इस साल की थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को होस्ट किया है, किसने, इंडिया ने। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन मिशन सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून इन 2024, सबको मालूम है, बहुत बार पढ़ा ना हमने, विच इंडियन मिशन सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून इन 2024, लैंडेड, टेक ऑफ चंद्रयान ने कब किया, तो लैंड कब किया, लैंडेड ऑन द मून, तो दैट इज चंद्रयान 3, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता चंद्रयान 4 कब लॉन्च, कब हम एक्सपेक्ट करते हैं लॉन्च हो जाएगा, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कौन सा साल, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, फिलहाल चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून इन 2024, तो चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 4 अभी नहीं गया, अब जाने वाला है, किस साल वो डिसाइड हो गया, इसरो ने किया एक्सपेक्टेड, कमेंट सेक्शन में बता देना कब जाने वाला है कौन, चंद्रयान 4। अब अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेजेंटली इस टाइम फॉरेन मिनिस्टर कौन है, ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ लिया, हु इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2024, क्या करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2024 कौन है, स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और एस जय शंकर, तो सबको मालूम है क्योंकि ये काफी फेमस पर्सनालिटी है और इसके बारे में बहुत बार मैंने बोला, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये है फॉरेन मिनिस्टर एस जय शंकर यहां पे लिखा है, तो एस जय शंकर क्या है, फॉरेन मिनिस्टर, आप इसको लिख सकते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर कहो या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहो, बोथ आर सेम। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन स्टेट रिसीव्ड द हाईएस्ट एफडीआई इन 2024, विच इंडियन स्टेट रिसीव्स हाईएस्ट एफडीआई इन 2024, तो हाईएस्ट एफडीआई किस स्टेट ने इस साल रिसीव किया है, किस स्टेट ने, इंडिया की किस स्टेट ने इस साल हाईएस्ट एफडीआई रिसीव किया है, जिसको हम कहते हैं विच इंडियन स्टेट रिसीव्ड द हाईएस्ट एफडीआई इन 2024, किस स्टेट ने, तो दैट इज द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, महाराष्ट्र, क्या महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, इसी ने इस साल का एफडीआई हाईएस्ट रिसीव किया है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट टॉप्ड द एसजीडी इंडिया इंडेक्स 2024, किस इंडियन स्टेट ने टॉप किया है द एसजीडी इंडिया इंडेक्स 2024, तो माय डियर मुझे कमेंट से, नहीं मैं आपको यह आंसर बोलूंगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज केरला, केरला ने क्या एसजीडी इंडिया इंडेक्स 2024 में टॉप किया है इस साल का। अगला क्वेश्चन जो है यहां पे, डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड लॉन्ग रेंज गिल्ड बम, व्हाट इज इट नेम्ड, इसका नाम क्या है, तो माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको बहुत बार करंट अफेयर्स के रिलेटेड लेक्चर्स में बोला है, दैट इज गौरव, क्या है उसका नाम, गौरव, तो डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड लॉन्ग रेंज गिल्ड बम, व्हाट इज इट नेम्ड, इसका नाम क्या है, गौरव। अगला क्वेश्चन है, Which is India's first privately developed? Which is India's first privately? My dear student, first
privately developed rocket which is recently launched by ISRO, जिसको ISRO ने लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? विक्रम एस. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. विक्रम एस उसका नाम है, विच इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट विच इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इसरो ने लॉन्च किया है. नाम क्या है? विक्रम एस. विच कंट्री वन द मोस्ट मेडल्स इन द पेरिस ओलंपिक्स इन 2024. बहुत बार मैंने आपको पढ़ा है ये पॉइंट भी, किस कंट्री ने जीती है ज्यादा मेडल्स किसमें? पेरिस ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स में, याद रखना. तो वो क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज यूएसए. अगला क्वेश्चन क्या है? विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज ऑफ 2024? क्या विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज ऑफ 2024? किस इंडियन स्टेट को मिली है हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज ऑफ 2024? गोवा, केरला, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश. अक्सर मिजोरम और केरला में क्या टक्कर होती है, लेकिन 2024 में हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहां पे हमें दिखी? तो वो हमें दिखी कहां पे? दैट इज जहां पे हमें ज्यादातर मिल रही है, दैट इज ऑप्शन बी, केरला. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वो क्या है? केरला. अब और एक पॉइंट है यहां पे, क्या है वो? हाँ, विच इंडियन सिटी वॉज रैंक्ड द मोस्ट लिवेबल सिटी इन इंडिया इन 2024? किस इंडियन सिटी को ये रैंक मिल गया, लिवेबल सिटी, बहुत अच्छी सिटी है इन इंडिया इन 2024? तो वो सिटी कौन है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज राइट आंसर. इसका क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है बेंगलुरु. इसका राइट आंसर क्या है? बेंगलुरु. तो इस सिटी को पहली रैंक मिल गई लिवेबल सिटी इन इंडिया इन 2024. तो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो यहां पे है वो क्या है? लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डेजर्ट पार्क इन जयपुर? आप बोले पहली डेजर्ट पार्क जयपुर में, उसका नाम क्या है? जयपुर में फर्स्ट डेजर्ट, फर्स्ट जब आएगा तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फर्स्ट डेजर्ट पार्क. अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डेजर्ट पार्क इन जयपुर? तो यहां पे माय डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट वर्ड है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए ज्यादातर है, पहली डेजर्ट पार्क जयपुर की कौन है? तो यहां पे बहुत सारे पार्क, दो चार पार्क से नाम दिए हैं. तो माय डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज किशनबाग. क्या? किशनबाग जो पार्क बन गई है कहां पे? जयपुर में. वो पहली डेजर्ट पार्क बन गई है जयपुर की. तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, दैट इज किशनबाग. तो आई होप ये सारे एमसीक्यूज आप लोगों ने अच्छे से सुन लिए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से भी किए हैं, और कुछ क्वेश्चन मैंने इस एमसीक्यू सीरीज में रखा है जो आपने अभी तक नहीं पढ़े, लेकिन मैंने वो यहां पे अच्छे से डिस्कस किए. दे आर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में. बाय.